हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पढ़ो। इफ 1.2 एंड 4, y x, 6 and 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसका? पैरेललोग्राम का। आप कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। ऐसा मान लो आप कुछ ऐसा बना लो, ठीक है, ऐसा बना लो और आप ऐसा एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक। ओके, पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है, ऐसे बना लो। ओके, सॉरी ऐसे नहीं होगा, आप थोड़ी इसको ऐसे खींच के आप ऐसे बना लो, ठीक है। कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बन गया, ओके। ये वाला पॉइंट नहीं है। अब पढ़ो, टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। आपको यक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ यक्स है ना, कहाँ गया, यहाँ यक्स है, इसकी वैल्यू बतानी है और वाई इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, नाउ अब आप करो क्या, लिखो लेट ओके 1, 2, 4, y और क्या है x, 6 ओके एंड और क्या बचा 3, 5 ओके आर द कोऑर्डिनेट्स ओके कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसे किसके हैं, ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं एंड डी के हैं। देखो आप ए को मान लो, इसको, इस वाले कोऑर्डिनेट को, इसको, इसको, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, ये क्या सी है और ये क्या डी है। इसका कितना है देखो 1, 2। आप इसको बोलो 1, 2, इसको क्या बोलो 4, y और इसको क्या क्या बोलो x, 6 और आप इसको क्या बोलो 3, 5 ओके। नाउ अब मानो कि ए ऐसे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और इस पॉइंट को आप बोलो ओ, ठीक है। तो लिखो, अब आपको लिखना है इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ओके ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल कौन कौन है, देखो ए सी एंड बी डी। तो लिखो आप डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है। ए सी एंड बी डी आपके क्या है, डायगोनल है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो पॉइंट ओ है ना ए, इसका और इसका दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ए इसको बाइसेक्ट करता है और ए इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये दूसरे आपस में दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखो इफ ओ, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। अब देखो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का भी है एंड बी डी का भी है, ठीक है। अब आप लिखो इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ए सी हम मान लें, तो ए सी अगर जो हम ओ ए सी का मिड पॉइंट ओ मान लें, तो आप कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए सी ओ ओ आर डी आई, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा, देखो ए सी है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा बताओ। देखो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर जो एक्स निकालना है, ठीक है, तो x1 + x2 / 2 और जब वाई निकालना है तो y1 + y2 / 2
ओके। नाउ सिमिलरली अगर जो हम ओ का निकाल लें तो इसके लिए ए पॉइंट ए और ए हो जाएगा, तो इसके लिए एक्स वन कौन है वन, एक्स टू कितना है एक्स, वाई वन कितना है टू और वाई टू कितना है सिक्स। तो आप निकालो एक्स वन यानी वन प्लस एक्स, देखो एक्स वन प्लस एक्स टू यानी वन प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा, अब वाई वन प्लस वाई टू यानी टू एन प्लस सिक्स मीन्स टू एन प्लस सिक्स अपॉन टू। ओके तो आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी वन प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वन अपॉन टू एंड सिक्स और टू एट अपॉन टू डेट इज फोर। ओके तो आपको इतनी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ए ओ बी डी की भी तो मिड पॉइंट होगी, तो लिखो इफ़ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जब बी डी की होगी तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालो, ओ का कोऑर्डिनेट निकालो, देखो तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू तो यानी फोर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ओ, तो एक्स वन प्लस एक्स टू यानी थ्री और फोर कितना हो जाएगा, देखो लिखो यहाँ थ्री, थ्री प्लस फोर अपॉन टू कामा, अब वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वाई वन कितना है थ्री फाइव एंड वाई टू कितना वाई, तो फाइव प्लस वाई अपॉन टू, तो लिखो यहाँ फाइव प्लस वाई अपॉन टू। ओके नाउ व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट लाइक दिस वन, ओ फोर एंड थ्री डेट इज सेवन अपॉन टू कॉमा फाइव प्लस वाई मीन्स वाई प्लस फाइव अपॉन टू। ओके नाउ अब देखो, अब आपको करना क्या है, ये दोनों पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट्स के हैं, ओ के ए भी है, ओ के ए भी है, तो ये दोनों इक्वल में होंगे, ठीक है, तो आप इक्वल कर दो, ठीक है। देखो एक्स प्लस वन ओके अपॉन टू इज इक्वल टू, देखो एक्स वाला एक्स के इक्वल होगा तो सेवन अपॉन टू, ठीक है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा बताओ, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, सेवन माइनस वन डेट इज सिक्स, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स। और सिमिलरली y की वैल्यू देखो, यहाँ y कितना है फोर और यहाँ वहाँ y कितना है, y कोऑर्डिनेट y प्लस फाइव अपॉन टू, तो कर दो तो y प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू, यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है फोर, तो हम फोर के इक्वल कर देंगे इक्वल टू, देखो यहाँ y प्लस फाइव कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखो इज इक्वल टू, जब ये टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा फोर टू जा एट। नाउ अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एट है, जब प्लस फाइव इधर आएगा तो माइनस फाइव, वाई इक्वल टू एट माइनस फाइव डेट इज इक्वल टू थ्री। ओके तो हमको x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ सिक्स एंड y की वैल्यू कितनी आ गई थ्री। ओके तो अब ए आपका आंसर हो गए। ओके थैंक यू क्लास।